मेक मी शोभना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ताजा और हरे मटर के पराठे। हरे मटर के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मटर को छील के धो के रखा है। अब इनको मैं चॉपर में दरदरा पीसूंगी। हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा चटकेगा तो उसमें दरदरा पिसा हुआ मटर डालेंगे। मटर का पानी सुखाने के लिए थोड़ी देर मीडियम गैस पे उसको रखना है। थोड़ा पानी सूखने के बाद जब थोड़े से मटर भुन जाते हैं तब उसमें बेसन डालेंगे। क्योंकि मटर गीले होते हैं तो पराठे बनाने में मुश्किल आती है, इसलिए इसका पानी सुखाएंगे। गैस पे रख के, मीडियम हीट पे रख के इसको कम से कम 10 मिनट पानी सुखाने के लिए रखेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। बेसन डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, अमचूर पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और नमक। सारे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इन मटर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब मसाला ठंडा हो जाएगा तभी इसके पराठे बनाएंगे, नहीं तो पराठे की जो फिलिंग होती है वो बाहर निकल आती है आटे से। आटा मैंने गूंद के रखा था, उसमें मैंने थोड़ी सी हरी मेथी डाल के गूंदा था। ये जो मसाला हमने पराठे के लिए बनाया है इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, 7 से 10 दिन तक भी इसको यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल या घी जो भी आप पसंद करते हैं उसमें पराठे को सेक लेंगे। दोनों साइड से सुनहरा होने के बाद ये पराठा बिल्कुल तैयार है। ये फ्रेश मटर के गर्मा गर्म पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। इसी तरह से हम बाकी सारे पराठे भी बना के तैयार कर लेंगे। ये फ्रेश मटर के गर्मा गर्म पराठे दही के साथ, चटनी के साथ, अचार या सॉस के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।